क्या गड़ लग रही है तू? मैं कितनी बार बोला था ना कि ये छोरी ने ज्यादा सर ना चढ़ाया कर ना समझ मेरी बड़ी तेरे तो मैं सिखाऊं सबक तने तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिसमें बनाने वाले का दर्द छुपा होता है। ये कहानी एक दास्तां बयां करती है जो भारत में छाई पितृसत्ता की शिकार एक माँ बेटी के आंसुओं से बनी है। एक ऐसा चित्र जिसमें एक माँ की अधूरी दास्तां छिपी है। कहते हैं माँ की माया से बढ़कर कोई माया नहीं होती। अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो जिंदा हो या फिर आइए सर जी आइए। दो चार महीने से घर बंद पड़ा था ना, धूल मिट्टी जम गई है। आप टेंशन मत लो, मैं सब साफ करा दूंगा। सर देखिए इधर मुझे तो घर पसंद है अरुण, I like it। तो फाइनल कर दो डील सर। अनु, तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाते, तोड़ दिया ना वास। तुम्हें समझ में नहीं आती क्या मेरी बात? सर कोई बात नहीं, बच्ची है सर, छोड़ दीजिए, चलिए घर दिखा दूँगा पूरा। लड़की होना ही आफत है। चलो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, रूम बहुत स्पेशियस हैं और अच्छे हैं। ठीक है तो हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मा मम्मा मुझे पेंटिंग चाहिए। अनु तुम्हें कितनी बार समझाया, किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। रचना अनु बदतमीज हो गई है, समझाओ इसे वरना मैं इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। एक मिनट, अनु
अरे भाई जल्दी जल्दी साफ करो यार। रामू चाचा, रामू चाचा, क्या कर रहे हो इतना स्लो? सारी पेंटिंग निकालनी, वो वाली पेंटिंग भी लेके जाना। नहीं, ये पेंटिंग मत लेकर जाओ। अनु, मैंने कह दिया ना, आप लेके जाओ।
अरुण कुछ कुछ सुना तुमने? अरुण उठो ना। कोई नहीं है, सो जाओ। चलो अरुण प्लीज देखो ना क्या है। चलो चंदा मामा दूर की पुए पकाए पूरी, चंदा मामा दूर की पुए पकाए मूर की, चंदा मामा दूर की पुए पकाए मूर की। ये गंदी पेंटिंग यहाँ कैसे? इसे तो मैंने गोडाउन में रखवाई थी। अनु तुम्हें से यहाँ क्यों लाई? हाँ बेटा, ये पेंटिंग तो बहुत पुरानी है, हम आपके लिए कल नई पेंटिंग्स बुक ला देंगे, ओके? वैसे भी ये पेंटिंग कितनी घटिया है। नो अरुण, लुक, इट्स ब्यूटीफुल। ये तुमने किया है? अनु तुम अपने कमरे में जाओ और इस पेंटिंग को तुम्हें। अरुण एक पेंटिंग ही तो है, रहने दो ना। रचना तुमने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, ये दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। परेशान कर दिया इस लड़की ने। बेटा नींद नहीं आ रही आपको? चलो मैं सुला देती हूँ अपनी रानी रानी। आ जाओ। चलो रचना कहाँ हो यार तुम? रचना रचना आ जाओ यार। रचना जल्दी करो, मुझे ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगा। हाँ वो सारी फाइल्स टेबल पर रख देना और मैं अभी जल्दी से आ जाऊँ। ओके मम्मा। हाँ हाँ बेटा। मम्मा आप दोनों मुझे हमेशा अकेले छोड़कर चले जाते हो। बेटा बस एक ही दिन की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी और कल से तुम्हारे लिए आया ढूंढ लूंगी। ओके पर मम्मा मुझे भूख लगी है। अच्छा हाँ किचन में मैंने खाना रख दिया, याद से खा लेना। चलो बाय। मम्मा मुझे एप्पल खाना है। मैं ले आऊंगी। बाय। मम्मा मेरी बात तो सुनो। जाओ यहां से वरना पुलिस को बुला दूंगी। जाओ। आ
अनु, अनु उठो बेटा, अनु उठो। अनु क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, चलो। मीठे सपनों में खोजा, रानी बेटी सोजा, मीठे सपनों में खोजा, चंदा मामा आएंगे, मुन्नी को सुलाएंगे। अनु मारी बेटी है, अनु मारी बेटी है, अनु मारी बेटी है। अनु मारी बेटी है। मैं हूँ। अरुण, वो बाहर पेंटिंग, वो बाहर पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। पेंटिंग में कुछ नहीं है। रचना, तुम स्ट्रेस लग रही हो, ओके? और मैं जानता हूँ कि इस बदमाश ने तुम्हें काफी परेशान किया होगा। देखो, जस्ट टेक इट इजी। एक तो ऑफिस का टेंशन, ऊपर से ये शिफ्टिंग, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों चल रही हो? फिर से बाहर घूम रही हो? मैंने मना किया था ना रात में बाहर घूमने से। नो, चलो अंदर चलो। अनु, गला छोड़ो। मेरा गला छोड़ो। अरुण, अरुण गेट अप, अरुण उठो।
अरुण होने के बावजूद मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को उस आत्मा से? यहाँ पे तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। और अरुण, ओ गॉड, मेरी बेटी और मेरे पति दोनों अंदर हैं, और वो पेंटिंग भी। मुझे कुछ करना ही होगा। देखा अनु के साथ, और इसका संबंध उस पेंटिंग के साथ है। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस पेंटिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तुम्हारे सामने है रचना। सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारी बेटी है। मुझे किस तरह मारने की कोशिश की? कोई बेटी अपने बाप को इस तरह मारने की कोशिश करती है क्या? ऐसे बिहेव करती है रचना? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पेट में बेटी है, तो तुम्हें बच्चा गिरा देना चाहिए था। तुमने तो सिर्फ एक ही रट लगाए रखी थी, बेटा हो या बेटी, सब एक ही समान है। और देखो, अब देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। ये वही ठीक होगी, तुम देखना। अरुण! जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सबदा नमस्तुते अगाक्ष वरदे देवी दैत्य दर्पिणी पातिनी
अगाक्षवर दे देवी दैत्य दर्प निपातनी पूजा में गृहान सुमुखी नमस्ते। हो रहा है सब? आपके घर में प्रेत आत्मा का वास है। अरुण, वो प्रेत आत्मा? रचना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी बेटी की वजह से हो रहा है। और तुम ये पंडित वंडित, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। अरुण, मैंने देखा है उसे, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। वैसे भी मैंने एक बोर्डिंग स्कूल पता कर लिया, बहुत जल्द मैं उसे इस घर से दूर वहां भेज दूंगा। आपकी बच्ची कहाँ है? पंडित जी, वो ऊपर रूम में है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जय हनुमानी ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, राम दूत तुलित अनु बेटा कहाँ? अंजन पुत्र पौंसत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ध्वज गदा विराजे, कांधे मुंजन हे उत्साजे, शंकर सुवन केसरी मन नासय रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर पुत्र ध्यान देना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, अनु बाहर आ जाओ बेटा। चलिए नीचे चलते हैं। उस चित्र को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि उस चित्र में बरसों पुरानी कोई अतृप्त आत्मा वास कर रही है और उसी अतृप्त आत्मा की छाया आपकी बच्ची के ऊपर गिर गई है। पर पंडित जी, मेरी बेटी अनु ही क्यों? उस औरत के जीवित काल में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और अपनी उसी अधूरी इच्छा की पूर्ति के लिए मृत्यु के पश्चात भी ये अतृप्त आत्मा जुटी हुई है। पर पंडित जी, इसका कोई ना कोई सलूशन तो होगा ना? हमें एक वास्तु पूजा करनी होगी। मैं पूजा की सामग्री लेकर के आता हूँ। जी पंडित जी। मारी छोरी लेने आया से। जय सिद्धित का ईश्वर ने जय प्रभु ने हमार जग के काज विलंब न किए, जय आतुर दौर महासुख दीजे, जय से कूद सुत ए पार सुर सा पतन पेट पिस आगे जाय लंचरी रोका मारे औलाद कई सुर लोक, जय विभीषण को सुख दीना सीता ने परम पद, जय मन सिद्धित का ईश्वर ने जय प्रभु ने हमारी जग के काज विलंब न किए, आतुर दौर महासुख दीजे, जय से कूद सुत ए पार सुर सा पतन आगे जाय लंचरी रोका। तुम इन सब बातों में विश्वास करती हो? तुम्हें लगता है कि कोई बुरा साया है ना? और सारे फसाद की जड़ वो पेंटिंग है? ठीक है, जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग, मैं उस पेंटिंग को ही खत्म कर देता हूं ताकि तुम्हें रियलाइज हो जाए कि इन सब के पीछे वो पेंटिंग नहीं, तुम्हारी बेटी है। ओके अरुण, ये देखो, अब मैं इस पेंटिंग को ही खत्म कर देता हूं, तब तुम्हें पता चलेगा। चलो, इस पेंटिंग को मैं जला के इसका किस्सा यहीं खत्म करूं। अभी मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे आते आते लेट हो जाएगा, मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ। लेकिन जब तक मैं वापस आऊं, इस पेंटिंग के कचरे के साथ तुम्हारे दिमाग का कचरा भी खत्म हो जाना चाहिए। अरे
कौन है बेटा? इस पेंटिंग की कुछ तो कहानी है, मुझे अपनी बच्ची को बचाने के लिए पता लगाना ही होगा। हाँ भरत भाई, पता किया आपने? What? शेखर 55 साल से बंद है, यह एक परिवार की मौत हुई है और तब से यहाँ पे कोई नहीं रहा और आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। भरत भाई मैं तो आपको बाद में देख लूंगी। मुझे इस पेंटिंग पर नजर रखनी पड़ेगी जब तक अरुण नहीं आता। अनु को अपनी बेटी रानी समझ रही है और अरुण में उसे रानी के पिता विक्रम का चेहरा नजर आ रहा है। अगर ये पहली नहीं सुलझाई तो वो अरुण को मार देगी और अनु को भी ले जाएगी अपने साथ। सुनो सुनो, तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? अंदर आओ प्लीज प्लीज। तुम कौन हो और क्या जानते हो? मैं राम सिंह। राम सिंह, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। इस पेंटिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? ये रानी ने बनाया था। रानी ने? हाँ, हाँ। तुम जानते हो रानी को, माया को? अरे बुद्धू फिर से बोल। चंदा मामा दूर के बोल,
चंदा मामा, चंदा मामा दूर की। अरे वाह, रानी मेरी दोस्त थी, माया चाची भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन विक्रम चाचा जल्लाद था, उनको नफरत थी रानी से, क्योंकि वो एक लड़की थी, और माया चाची से भी, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म दिया था। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को मार डाला और उनका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन वो लौट आई है, अपनी बेटी को लेने लौट आई है, और उसको लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। राम सिंह, तुम मेरी मदद करो, मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना है। प्लीज राम सिंह, मेरी मदद करोगे ना? रचना, रचना कहाँ हो तुम? रचना कहाँ गई? रचना, कौन है? कहाँ गई? फोन भी बंद आ रहा है।
पापा को प्लीज छोड़ दो, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे प्लीज मेरे रोशना, प्लीज नहीं माया, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैंने अनु से हमेशा नफरत की क्योंकि मुझे हमेशा लड़का चाहिए था। मेरी बच्ची की जान छोड़ दो, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो प्लीज माँ, मैं आपके साथ जाऊंगी। अनु, माया मेरी बच्ची को छोड़ दो। अनु 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 माया, आज से तुम मुक्त हो गई हो। एक माँ को इतने सालों के भटकने के बाद अपनी बेटी मिल गई है, तुम मुक्त हो गई हो माया, मुक्त हो गई हो। माँ, इस चित्र की कहानी तो खत्म हो गई लेकिन आप सचेत रहिएगा, कहीं आपके परिवार का कोई सदस्य किसी चित्र की माया में फंस ना जाए।